पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर को सस्ता करने की बात करें, अगर हर मिडिल क्लास घरों तक कंप्यूटर या लैपटॉप पहुंचाने की बात करें, तो बिल गेट्स का नाम ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी दी है पर्सनल कंप्यूटर को और बेटर बनाने में। पर्सनल कंप्यूटर मतलब क्या, जो पर्सनली एक इंसान चला सकता है समझ करके, इतना टफ नहीं है उसको समझना, या फिर लैपटॉप को चलाना है, कंप्यूटर को चलाना, इतना टफ नहीं है। पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, पूरे कमरे जितने बड़े होते थे, और चलाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दो तीन लोग मिलकर चलाते थे। कई बार ऐसे होते थे जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है। फोटो में देख सकते हो, आपको देख रहा होगा, जब मैं बीसीए कर रहा था तब ये मैंने देखा था, पहली बार सुना था मैं, बाकी मैं शॉक हो गया था कि यार एक कंप्यूटर को चलाने के लिए इतनी चीजें, इतना बड़ा होता है कंप्यूटर। बिल गेट्स का जन्म अमीर फैमिली में ही हुआ था, मतलब बिल्कुल ही गरीब नहीं थे वो। इनकी कहानी ऐसी नहीं है कि बचपन में बहुत गरीब थे, ऐसा नहीं। इनके साथ में इनके फादर लॉयर थे, तो हर घर की तरह इनके फादर भी चाहते थे कि वो भी अपने फादर की तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बने, लेकिन उनकी रुचि थी कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में। ये जो सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, इसमें कोडिंग करनी होती है, आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा ऐसे कोडिंग करनी होती है, इससे सॉफ्टवेयर बनते हैं, प्रोग्राम्स बनाने होते हैं ऐसे, तो उनको इन सब चीजों में रुचि थी, उनको ऐसा कुछ करना था, इसमें कुछ बड़ा करना था, और कमाल कर भी रहे थे। केवल रुचि ही नहीं थी, केवल इंटरेस्ट ही नहीं था, कर भी रहे थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने टिक टैक टॉय नाम का एक गेम बना दिया। गेम बनाना एक काफी टफ कामों में आता है, एक गेम बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, रोबोट बनाना, ये जो एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब वर्ल्ड के सबसे भारी कामों में आता है। इसके साथ में उनके साथ में ऐसा नहीं था कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे। क्योंकि नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। इन्होंने सेट नाम के एग्जाम में 1600 में से 1590 नंबर ला लिए थे, और एक बार तो स्कूल में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क हैक कर लिया था। बिल गेट्स ने केवल 17 साल की एज में, जब काफी लोगों को पता भी नहीं होता है 17 साल की एज में कि मुझे क्या करना है, मेरा पैशन क्या है, उस उम्र में अपने दोस्त एलन के साथ में मिलकर ट्रैफ और डेटा नाम का एक डिवाइस बनाया था, जो ट्रैफिक काउंटर था। और ये डिवाइस इतना हिट हुआ, लोगों को इतना पसंद आया कि बिल गेट्स को उस वक्त समझ आया, ऐसा उनको एहसास हुआ कि उनको सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी चाहिए। फिर कहानी यहां से शुरू होती है। अप्रैल 1975 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर पॉल एलन के साथ मिलकर खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी बना दी। उनको कोई अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ये कंपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनेगी एक दिन। और ये जो कहते हैं ना बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉपआउट है, उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दी थी, तो मैं दो बातें बोल देता हूं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कॉलेज छोड़ी है, वहां खाली कुछ महीने बैठकर भी आ जाओगे तब भी सक्सेस की हवा लग जाती है। दूसरा, पहले उनको पूरा विश्वास हुआ था, फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ी थी, मतलब खेल चुके थे काफी, फिर उन्होंने कॉलेज छोड़ी। ऐसे ही नहीं, YouTube पर स्टेज पर कोई चिल्ला रहा है, गला फाड़ के चिल्ला रहा है यू कैन डू इट, अब जाकर के कॉलेज छोड़ रहे हो, वैसा नहीं कर रहा था उन्होंने, जोश में एक्शन नहीं लिया था, सही चल रहे थे वो। जैसे कि होता ना, काफी लोग एग्जांपल देते हैं कि वो भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो क्यों है वो पढ़ो पहले आप। बिल गेट्स एक तो पढ़ाई, दूसरा प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर में, इसके साथ में वो बिजनेस में भी अच्छे थे। एक होता है एक कोडिंग में अच्छा होना केवल, तो पूरा कोडिंग में अच्छा होना, लेकिन बिल गेट्स कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी तेज थे। 1981 में IBM ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बिल गेट्स को कहा, तो बिल गेट्स ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद बनाने के बजाय टीम पीटरसन, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर थे, के पास गए, जिनके पास ऑलरेडी एक बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो वो बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम $50,000 में खरीद लिया बिल गेट्स ने, और IBM को रॉयल्टी पर बेच दिया। उसका नाम था MS-DOS, जिसकी कीमत 6 महीने में ही वसूल हो गई थी। वो हर वक्त बिजनेस में कुछ बड़ा और अलग करने की तलाश में ही रहते थे। बिल गेट्स अपने काम को लेकर इतने क्यूरियस और डिवोटेड थे, और ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बस पैशनेटली क्यूरियस हूं, बहुत जिज्ञासु हूं, बस यही है। तो बिल गेट्स भी बहुत जिज्ञासु थे, और ये क्यूरियस होना ही सबसे बड़ा कारण होता है हर सक्सेसफुल इंसान का। ये दिमाग तेज होना, अक्कल तेज होना, IQ सपोर्ट होना, पैसा, घर का सपोर्ट, ये वो, ये इतना मैटर नहीं करता है जितना क्यूरियस होना मैटर करता है। बैक टू द पॉइंट, बिल गेट्स इतने क्यूरियस और डिवोटेड थे कि वे वीकेंड पर जाने में ट्रस्ट नहीं करते। जो छुट्टी होती है, संडे होता है, वो नहीं मनाते थे। एक होता है काम से भागना, क्या छुट्टी आ रही है, उनको मजा आता था। और उनकी कंपनी में काम करने वाले हर व्यक्ति के कार नंबर प्लेट याद थी उनको,
ताकि ये पता कर सके कि कौन किस वक्त काम पर आता है, कौन लेट आता है। इतने क्यूरियस होने की वजह से, प्रोग्रामिंग में तेज होने की वजह से, बिजनेस में तेज होने की वजह से, बचपन से ही बड़े बड़े धमाके करने की वजह से, समय की कदर करने की वजह से, कुछ ही सालों में 1987 में जब वो 31 साल के थे तब उनका दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नाम आ चुका था। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, जब उनकी सफलता का राज पूछा गया, उन्होंने बताया कि वो एक साल में 50 बुक्स रीड करते हैं, यानी कि महीने की 4 पर वीक एक बुक, और वो पढ़कर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ में। बिल गेट्स ने कई बारी अपनी सक्सेस का राज बुक रीडिंग ही बताया। शायद इसीलिए हमें भी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक इंसान प्रैक्टिकली करके देख कर साबित कर चुके हैं कि बुक्स की क्या पावर होती है। एक बार बिल गेट्स ने कहा था कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यह है कि वो इंग्लिश के अलावा और दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते। मतलब और लैंग्वेज पता होती तो वो और ज्ञान ले पाते, उनका ये मानना है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके अंदर नई चीज सीखने की कितनी क्यूरियोसिटी थी, और कितनी क्यूरियोसिटी है भी, अभी भी है। इतने बड़े बन जाने के बाद भी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी आज भी पढ़ते रहते। एक बार एक स्टूडेंट ने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से एक सवाल किया था कि वो कौन सी सुपर पावर है, वो कौन सी शक्ति है जो आप पाना चाहते हो। तो बिल गेट्स ने कहा, फास्ट पढ़ने की शक्ति। और वॉरेन बफेट ने भी यही बात बोलते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल वेस्ट कर दिए स्लो पढ़ने में। दुनिया के सबसे अमीरों में टॉप 10 में इनका नाम आता है। इन्होंने भी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने भी, शक्ति पानी चाहिए तो फास्ट रीडिंग पढ़ने की, कोई गायब होने की, हवा में उड़ने की, टाइम ट्रेवल करने की, फ्यूचर में जाने की बात नहीं करी उन्होंने। एक ही शक्ति चाहिए फास्ट पढ़ने की, स्पीड से ज्ञान लेने की। फिर बिल गेट्स ने 1994 में एंड्रयू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर से इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ शेयर बेचकर विलियम एच गेट्स फाउंडेशन की स्थापना कर दी, और सन 2000 में अपनी वाइफ के साथ में मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने अपने कंपनी के $5 बिलियन के शेयर्स बेच दिए। $1 बिलियन कितने होते हैं? 7,000 करोड़ रुपए। तो बिल गेट्स ने $5 बिलियन के शेयर्स बेच दिए अपनी फाउंडेशन के लिए, जो एनजीओ के लिए अमाउंट इकट्ठा करती है लोगों की भलाई में। 2007 में उन्होंने अपनी नेटवर्थ का 95% अमाउंट डोनेट कर दिया था। 2013 के अकॉर्डिंग उनका यह फाउंडेशन दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फाउंडेशन बन गया था। बिल गेट्स 1995 से 2007 तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने रहे, फर्स्ट पे। 2007 में डोनेशन की वजह से वो पीछे गए थे। बिल गेट्स ने अपने बच्चों के सक्सेस के बारे में भी ये कहा था कि वे अपने तीनों बच्चों को अपनी $1 बिलियन की संपत्ति में से सिर्फ 10-10 मिलियन ही देंगे, क्योंकि वे अपने बच्चों को आलसी बनाना नहीं चाहते। आज वे जो भी काम कर रहे हैं वो सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। हमें बिल गेट्स की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अगर दुनिया में हर काम को डेडिकेशन के साथ में किया जाए, इंटेलिजेंस के साथ में किया जाए, तो सफलता मिल ही जाती है। बड़ा काम करने के लिए एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी समझ रखते हो। चलो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत ज्यादा लेजी था, और आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। अगर आपको मेरी लेजी से बिजी तक की कहानी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, आप उस पर क्लिक करो, मेरी कहानी पढ़ो। मैंने अपनी लाइफ को स्टडी करी, ऑब्जर्व करा मैं आलसी क्यों था और अब क्यों नहीं हूं, मुझे रीजन पता है। वो रीजन मेरी कहानी से आपको मिल जाएगा। उस कहानी के बाद में आपको यह भी समझ आ जाएगा कि आपको मेरी बुक, मैंने एक बुक लिखी है, वो बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। टालने का कीड़ा बुक का नाम है, वो बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए उसका रीजन आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ एक बार लिंक पर जाकर के मेरी कहानी पढ़ो, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करो कि आपको मेरी पूरी बुक पढ़नी चाहिए या नहीं। अब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से हर बार की तरह इस बार भी आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।